हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की रेसिपी। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही कड़वा होता है, जिसको हम इस तरह से बनाएंगे कि इसका कड़वापन थोड़ा सा निकल जाएगा और खाने में ये कड़वा नहीं लगेगा। तो इसके लिए पहले हम करेले को 5 मिनट तक पानी में उबाल लेंगे। देखिए, पानी हमारा लगभग गर्म हो गया है, अब इसमें करेले डाल देते हैं। और इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक करेले हमारे उबल रहे हैं दोस्तों, हम ये मसाला भूनकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 बड़े चम्मच कलौंजी, 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा ले लिया है। इनको हम भून कर पीस लेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने ये मसाला अपना जो भुना था उसको पीस कर तैयार कर लिया है। साथ में हमने 3-4 छोटे प्याज और 3-4 कलियां लहसुन की, इसको भी पीस लिया है और पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए, अब हमारे करेले हो गए, 5 मिनट हो गया है, अब उनको हम निकाल लेते हैं पानी से। चलिए, इनको पानी से हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, हमने इसको उबालने से पहले अच्छा सा हल्का हल्का छील लिया था, तब इसको उबाला। हमारे हल्के से ठंडे हो गए हैं, अब इनमें इनको बीच से काट के इनको चेक कर लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के सारे करेले चेक कर लेंगे छील के। सारे करेले दोस्तों हमने काट लिए हैं, अब इसका पानी हम निचोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर उबल में पानी भर गया था। देखिए दोस्तों, इसमें निचोड़ने में इतना पानी निकला है, इसको हम अलग रख देते हैं। अब हम इनको भरने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, करेले अच्छे से चेक कर लीजिएगा, जो हमने लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया उसको डालेंगे। हमने आधी कटोरी धनिया भूनकर पीस ली है, उसको भी डाल देंगे। जो मसाला हमने भूना था उसको भी 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे। कढ़ाई हमने पीस ली थी, इसको हम 1 चम्मच डाल देंगे। इसमें नमक हम 1 चम्मच डाल देंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे और आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, ये मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। ये मसाला ना ज्यादा गीला है ना ज्यादा सूखा है। अब इसको हम करेले में भर लेंगे। दोस्तों, करेले अच्छे से चेक जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह हम सारे करेले भर लेंगे। दोस्तों देखिए, हमने सारे करेले भरकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए गैस की तरफ, उस पर कढ़ाई में तेल डालकर रख देते हैं। तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें करेले हम डाल देंगे। दोस्तों देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी हो गई है, अब इसमें करेले हम डाल दें। दोस्तों देखिए, हमने सारे करेले इसमें डाल दिए हैं और हमने ये छोटे छोटे प्याज थे इनको पूरा हमने काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। आपके पास अगर बड़े प्याज है तो उनको आप आधा पीस करके डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच चीनी ऊपर से डाल देंगे।
उसको हम ढक देंगे। दोस्तों इनको हम बीच बीच में पलटते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे, और बहुत ही धीमी आंच पे इनको पकाएंगे। प्याज इसमें डाल देने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसका हल्का कड़वापन भी निकल जाएगा। इसी तरह पलट पलट के हम इनको पकाते रहेंगे। जब तक ये अच्छे से लाल नहीं हो जाते तब तक हम इनको इसी तरह पलट पलट के पकाते रहेंगे। दोस्तों देखिए हमारे करेले लगभग बन गए हैं, भुन गए अच्छे से। इनको हम बीच बीच में पलटते रहेंगे। देखिए दोस्तों करेले हमारे बन गए हैं, कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं और लाल कलर के एकदम भुने हैं हमने। इनको हमने बहुत ही धीमी आंच पे पकाया है। चलिए अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारे करेले बनकर तैयार हैं। इसमें प्याज डाल देने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। दोस्तों आप इसी तरह घर पर करेले बनाइए और सबको खिलाइए, देखिए बहुत ही पसंद करेंगे लोग। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।